हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भवा किचन में। सो गाइज, आज मैं कोई रेसिपी वीडियो शेयर नहीं करने वाली हूँ। सो गाइज, अभी तक मैंने आपसे बहुत सारी केक रेसिपी शेयर की हुई हैं और उनको बनाने में मैंने बहुत सारे केक मटेरियल, टूल्स और इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो उन्हीं सब की जानकारी आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये सारी चीजों की लिस्ट, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, कितने पैसे की मिलेंगी, और इसी के साथ अगर आपके पास वो चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं तो उनके रिप्लेसमेंट की तरह घर की कौन सी चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी जगह पे, ये सारी चीजों की जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। एंड आई एम वेरी श्योर जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा क्रूशियल साबित होगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि केक बैटर बनाने के लिए बोल से शुरू करेंगे हम। मेरे पास कई साइजेस के ये बोल्स हैं, ग्लास के बोल्स हैं ये, और जनरली मैं इस बड़े वाले बोल का इस्तेमाल करती हूँ केक बैटर को प्रिपेयर करने के लिए। इसी के साथ मैंने इससे भी बड़े साइज का एक बोल रखा हुआ है, क्योंकि जब भी मुझे क्रीम व्हिप करनी होती है तब मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। और इसी के साथ मेरे पास इस तरह के छोटे छोटे साइजेस के भी बोल्स हैं। तो अगर इन बोल्स की बात करते हैं तो ब्रांड्स के बेसिस पे या क्वालिटी के बेसिस पे इनकी अलग अलग कीमत होती है, एंड 300, 400 एंड 500 की रेंज तक में ये आते हैं। एंड गाइज, इन सारी चीजों के रेट्स प्लेस टू प्लेस डिफर करते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस हमेशा रहेगा प्राइस में एक जगह से दूसरी जगह के कंपैरिजन में। लेकिन ये वाले बोल्स थोड़े डेलिकेट होते हैं, मतलब टूटने का डर रहता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है। तो आप कांच के बोल्स के बजाय इस तरह के प्लास्टिक के बोल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्टील के बर्तनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हैंड विस्क। तो किसी भी चीज को मिक्स करने के लिए, जैसे कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है या फिर वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, तो इसके लिए मैं इस तरह के हैंड विस्क का यूज करती हूँ। ये नॉर्मल हैंड विस्क है और ये बलून हैंड विस्क है। दोनों में अंतर ये होता है कि इस वाले यानी कि बलून हैंड विस्क से विस्क करने पे ज्यादा एयर बबल्स क्रिएट होते हैं बैटर में। इसे मैंने लेटेस्ट खरीदा है, इसका प्राइस ऑलमोस्ट 100-120 रुपीज का था। ये 60-70 रुपीज का मिलता होगा, मुझे इसका एग्जैक्ट प्राइस एक्चुअली याद नहीं है अभी। इन केस आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप फॉक का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं इसकी बजाय। नाउ नेक्स्ट आते हैं इस तरह के स्पैटुलास। ये वाले स्पैटुलास बहुत हेल्पफुल होते हैं नीटली बैटर को ट्रांसफर करने में किसी भी केक टिन में। जब भी हम केक बैटर को या किसी भी लिक्विड इंग्रेडिएंट को ट्रांसफर करते हैं इनकी हेल्प से, तो कम्प्लीटली और बिना वेस्टेज के ट्रांसफर हो जाती हैं वो चीजें। बैटर को मिक्स करने में भी कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू इन स्पैटुलास का यूज हम कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम चॉकलेट मेल्ट करते हैं या फिर किसी भी हॉट इंग्रेडिएंट को टच करते हैं तो उसमें भी ये बहुत काम आते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है और ये मुझे 100 रुपीज ईच में मिले थे। अब बात करते हैं ये वेइंग स्केल की। जब भी मैं इंग्रेडिएंट्स को यूज करती हूँ बेकिंग के लिए तो उनकी एग्जैक्ट मेजरमेंट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बेकिंग बेसिकली एक तरह की साइंस है। तो कुछ एक उसमें जो मेजरमेंट्स होते हैं उन्हें हमेशा परफेक्ट होना चाहिए परफेक्ट रिजल्ट के लिए। मैंने इसे 300 रुपीस में परचेज किया था ऑनलाइन, ये थोड़ा सा कम या ज्यादा प्राइसेस में भी मिल सकती है। फिर बात करते हैं सिफ्टर की या फिर स्ट्रेनर की। तो इस तरह की छन्नी है ये, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जब भी यूज करते हैं केक बनाने में तो उन्हें एक बार छानना जरूर चाहिए। तो ये तो एकदम आसानी से कहीं पे भी मिल जाती है और इसे मैंने 80-90 रुपीस में परचेज किया था। तो अब बात करते हैं केक टिन्स की। तो यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम के केक टिन्स लिए हुए हैं, सबसे पहले 6 इंच, 7 इंच एंड 8 इंच, और इसी तरह से रेक्टेंगल शेप वाले भी 6, 7 एंड 8 इंच के केक टिन्स। ये 6 इंच के केक टिन का मैं मैक्सिमम इस्तेमाल करती हूँ, इससे आधा किलो से लेकर के 700 ग्राम तक का केक बनाया जा सकता है। 7 इंच का केक टिन, इसमें 750 ग्राम तक का केक बनता है। और फिर आता है ये 8 इंच का केक टिन, इसमें 1 kg का अच्छा केक बनके तैयार होता है। और इसी के साथ मेरे पास ये छोटा वाला केक टिन भी है, 5 इंच वाला। अगर आपको एकदम छोटा सा केक बनाना है बाइट साइज का तो आप इसमें भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक हार्ट शेप का केक मोल्ड भी है। जो 3-3 केक टिन्स हैं ये दोनों मैंने सेट में परचेज किए थे, और ये राउंड शेप वाला ऑलमोस्ट 400-450 का आया था और ये वाला सेट 400 कॉस्ट किया था। इन केस आपके पास केक टिन अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह के स्टील के टिफिन का या एल्यूमिनियम के टिफिन या बॉक्सेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं केक बनाने के लिए। इसी तरह से मेरे पास ये लोफ ब्रेड मोल्ड्स भी हैं। इस मोल्ड में मैंने कस्टर्ड केक की रेसिपी आपसे शेयर की थी। इन मोल्ड्स को हम टी केक या फिर बनाना ब्रेड वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला केक टिन 120 रुपीस कॉस्ट किया था। और इसी के साथ बारी आती है स्प्रिंग फॉर्म केक टिन की। इस तरह से जब साइड से इनको आप लूज करते हैं तो इनका जो बेस है वो अलग हो जाता है, और इनका इस्तेमाल जनरली आइसक्रीम केक बनाने के लिए, मूस केक या फिर चीज केक बनाने के लिए होता है। और स्प्रिंग फॉर्म मोल्ड में मैंने आइसक्रीम केक की रेसिपी, ओरियो चीज केक की रेसिपी भी शेयर की हुई है। मैंने ऑनलाइन परचेज किया था और ये 500 का सेट 3 का आया था। फिर बात आती है कपकेक मोल्ड्स की।
तो यहाँ पे मैंने ये रीयूजेबल कपकेक मोल्ड्स लिए हुए हैं। इनके बजाय आप कपकेक लाइनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक बार यूज़ करके थ्रो करना पड़ता है। ये पर पीस 5 रुपीज़ कॉस्ट करता है। और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी बजाय इस तरह की स्टील की कटोरियों में भी कपकेक बना सकते हैं। और अब बारी आती है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डॉल केक मोल्ड की। ये 2 पाउंड का डॉल केक मोल्ड है जो कि इस तरह का टेपर्ड शेप का होता है। ये 150 रुपीज़ कॉस्ट किया था। और इसी के साथ ये है डॉल केक टॉपर। डॉल केक टॉपर्स 40 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक की रेंज में आते हैं। ये थोड़ी सी एम्बेलिश्ड वाली है, इसलिए 80 रुपीज़ कॉस्ट की है। फिर बारी आती है इस तरह की ब्रश की, ग्रीसिंग के लिए यूज होता है ये। ये सिलिकॉन का बना हुआ है और इसे मैं केक टिन को और उसके ऊपर बटर पेपर रख के उसे भी ग्रीस करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये 60 रुपीज़ का आया था। बारी आती है बटर पेपर की, तो ये मैंने बहुत सारा बटर पेपर एक साथ ही परचेज कर लिया था। बटर पेपर इस तरह का एक थिन पेपर होता है जो कि थोड़ा स्मूथ होता है, इसलिए केक बनाने में जब केक टिन के बॉटम पे हम इसे लगाते हैं तो हमारा केक बहुत अच्छे से निकल आता है बाहर केक टिन से। बटर पेपर ऑनलाइन और केक रॉ मटेरियल शॉप्स के साथ में स्टेशनरी शॉप्स में भी आजकल अवेलेबल रहता है। और इसकी काफी बड़ी एक शीट 5 रुपीज़ की आती है। इनकेस ये बटर पेपर अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप इस तरह का कोई भी A4 शीट उसे लेके आप अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दें इसको, तो भी वो बटर पेपर बनके तैयार हो जाएगा जिसे आप केक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स की। तो इस तरह के मेजरिंग कप्स और स्पून्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेकिंग के लिए, सो दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट हो सके इंग्रेडिएंट की। यहाँ पे ये 1/4 कप यानी कि 60 ml है, 1/3 कप यानी कि 80 ml, 1/2 कप मतलब 120 ml और 1 कप मतलब 240 ml। इसी के साथ ये मेजरिंग स्पून्स हैं। ये 1/4 टीस्पून जो कि 1.25 ग्राम का होता है, 1/2 टीस्पून 2.5 ग्राम, 1 टीस्पून 5 ग्राम और ये है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मतलब ऑलमोस्ट 3 टीस्पून। और ये मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स ऑनलाइन भी बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं करते हैं। और अब बात करते हैं केक के फ्लेवरिंग एजेंट्स की यानी कि एसेंस की। तो वनीला एसेंस सबसे ज्यादा बेसिक एसेंस होता है, केक को बनाने के लिए से यूज किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत तरह के एसेंस मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी एसेंस, पाइनएप्पल एसेंस, रोज एसेंस, ऑरेंज एसेंस, और किसी भी सुपरमार्केट में या फिर केक रॉ मटेरियल की शॉप्स के अलावा ऑनलाइन भी आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये पाइनएप्पल एसेंस है, तो ये 28 ml की बॉटल 59 रुपीज की आई है। केक या आइसक्रीम को स्पेसिफिक फ्लेवर देने के लिए एसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रश और स्क्वॉश की। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये पाइनएप्पल क्रश की बॉटल ली हुई है, उसी तरह से ये स्ट्रॉबेरी क्रश है। केक की आइसिंग करते टाइम या फिर फ्रॉस्टिंग करते टाइम ये क्रश ऐड किया जाता है एक फ्रेश फ्लेवर देने के लिए केक को। ये 1 लीटर की बॉटल है जिसका MRP 145 रुपीज है और ये मुझे 130 कॉस्ट की थी शॉप में। तो केक बेकिंग मटेरियल की तो बात होगी, अब बात करते हैं केक की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है केक टर्न टेबल। ये केक को आइसिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब हम इसे रोटेट करते हैं तो ये कम्प्लीटली रोटेट हो जाती है। इस टर्न टेबल का फायदा ये होता है कि हमारी आइसिंग बहुत आसानी से होती चली जाती है। और ये मैंने ऑनलाइन परचेज की थी और ये ऑलमोस्ट 450 मुझे कॉस्ट की थी। इसके बाद बारी आती है केक बोर्ड्स की। तो आपने देखा होगा कि जनरली मैं केक बोर्ड के ऊपर ही केक बनाती हूँ, तो ये राउंड शेप का केक बोर्ड है जो 7 इंच का है। ये 1/2 kg के केक के लिए इस्तेमाल होता है, वहीं इससे बड़ा वाला जो आता है 9 या 10 इंचेस का, वो 1 kg के केक के लिए इस्तेमाल होता है। और राउंड के साथ इस तरह के रेक्टेंगल शेप के भी केक बोर्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो ये 7 इंचेस वाले केक बोर्ड जो है वो 6 to 7 rupees पर पीस कॉस्ट किए थे मुझे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक बीटर की। तो व्हिपिंग क्रीम को बीट करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहता है क्योंकि इससे केवल 10 से 15 मिनट में ही क्रीम बीट होके तैयार हो जाती है। तो मेरे पास ये वेब स्टार ब्रांड का इलेक्ट्रिक बीटर है जिसमें 7 स्पीड्स होते हैं, मतलब 7 टाइप्स ऑफ स्पीड, कम से लेके ज्यादा तक होता है ये। ये 300 वॉट का है और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर परचेज कर रहे हैं क्रीम को व्हिप करने के लिए, तो आप 300 वॉट या उससे ऊपर का ही इलेक्ट्रिक बीटर परचेज करें। इससे आसानी से बीट हो जाती है क्रीम और इसमें पीक्स भी अच्छे बनते हैं। ये इलेक्ट्रिक बीटर मुझे 2000 रुपीज कॉस्ट किया था, मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। और अब बारी आती है केक क्रीम को लेवल अप करने के लिए स्पैटुलास की। ये स्पैटुला है, ये ऑफसेट स्पैटुला है और ये देखिए हैंडल से लेके इसका जो मेन बॉडी आती है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, जिसकी वजह से इससे क्रीम को लेवल अप करना बहुत आसान हो जाता है। बेसिकली इनका यूज होता है क्रीम को स्मूथ करने के लिए केक के ऊपर। ये सेट भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया था और आई थिंक 150 और समथिंग कुछ कॉस्ट किया था ये। अब बारी आती है नोजल टिप्स की। तो मेरे पास में ये बड़े साइज की भी नोजल टिप्स हैं और ये छोटे साइज की भी नोजल टिप्स हैं।
बहुत तरह की नोजल्स आती हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है इस तरह की स्टार शेप की नोजल, जिनसे बहुत बार मैंने आपको रोजेट बना के केक में दिखाए भी हैं। और साथ ही जो इस तरह की एक फ्लावर जैसी नोजल टिप होती है, और इसी तरह से लीव शेप की नोजल होती है, रोज बनाने के लिए पेटल शेप की भी नोजल होती है, ड्रॉप शेप की नोजल टिप होती है, ये नोजल टिप्स भी आपको केक की रॉ मटेरियल वाली शॉप में मिलेंगी। ये बड़ी वाली टिप मुझे 30 रुपीज ईच की मिली थी, और ये वाला मैंने 12 का सेट परचेज किया था जो कि 200 रुपीज कॉस्ट किया था। और उसी तरह से रोज को बनाने के लिए इस तरह का एक टर्न भी आता है। और साथ ही अगर आपके पास ये नोजल टिप्स अवेलेबल नहीं है, तो कैसे आप पेपर से ही बना सकते हैं ये स्टार शेप की नोजल, ये भी मैंने आपसे अपनी एक वीडियो में शेयर किया है, और उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। और ये है केक स्क्रैपर्स या फिर केक कोम, और इसमें इस तरह की डिजाइन सी बनी होती है जिगजैग जैसी, और इनसे केक के साइड्स में डिजाइन बनाई जाती है क्रीम के ऊपर, और ये काफी अच्छा लुक देते हैं। क्रीम की पाइपिंग के लिए इस तरह के पाइपिंग बैग का इस्तेमाल किया जाता है, और ये यूज एंड थ्रो वाले पाइपिंग बैग्स हैं, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल करना आसान होता है। और ये पूरा का पूरा पैकेट 150 रुपीज का आया था, जिसमें 100 के करीब ये पाइपिंग बैग्स हैं। अब बात करते हैं व्हिपिंग क्रीम की, तो अभी मैं ये स्टार व्हिप क्रीम यूज कर रही हूँ आजकल, और ये 1 kg का पैकेट 150 रुपीज का आता है। इसमें 1-1 pound के ऑलमोस्ट 4 cakes कवर हो जाते हैं। बात करते हैं इस तरह के कलर्स की, तो 2 तरह के कलर्स आते हैं, एक आते हैं लिक्विड कलर्स और दूसरा आता है जेल फूड कलर। ये जो लिक्विड फूड कलर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली सस्ते आते हैं। मैंने ये पूरा का पूरा बॉक्स परचेज किया था 12 कलर्स का, ये मुझे 120 के करीब पड़ा था। और इसी के साथ ये जो जेल फूड कलर्स होते हैं वो 100 रुपीज पर डब्बी के हिसाब से आता है। अब बात करते हैं कंपाउंड चॉकलेट की, तो यहाँ पे मैंने ये मिल्क कंपाउंड लिया हुआ है, ये व्हाइट कंपाउंड और ये डार्क कंपाउंड। ना डार्क कंपाउंड डार्क चॉकलेट होती है, व्हाइट कंपाउंड व्हाइट कलर की चॉकलेट होती है, और ये जो मिल्क कंपाउंड होता है ये डेरी मिल्क के जैसा कलर होता है, मतलब डार्क कंपाउंड से लाइटर शेड का होता है ये। तो डार्क कंपाउंड 400 ग्राम का 85 रुपीज का आता है, व्हाइट कंपाउंड 400 ग्राम 150 रुपीज का आता है, वहीं मिल्क कंपाउंड 400 ग्राम 125 का आता है। और इन कंपाउंड चॉकलेट्स का यूज किया जाता है ज्यादातर तरह के चॉकलेट केक्स बनाने में, जैसे कि चॉकलेट ट्रफल केक, डार्क चॉकलेट केक, चॉकलेट फैंटेसी केक, और साथ ही में जो नॉर्मल या सिंपल चॉकलेट केक्स होते हैं उनकी ड्रिपिंग्स बनाने में भी इसका यूज होता है। किसी भी बड़ी ग्रोसरी स्टोर, ऑनलाइन या फिर सुपरमार्केट में ये अवेलेबल होते हैं। और अब बात करते हैं केक स्प्रिंकलर्स की, जैसे कि पिंक शुगर बॉल्स हैं, सिल्वर शुगर बॉल्स, व्हाइट शुगर बॉल्स, गोल्ड शुगर बॉल्स, ये चॉकलेट स्ट्रैंड्स हैं, ये व्हाइट चॉको चिप है, ये ब्लैक चॉको चिप है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे तरह के शुगर बॉल्स वगैरह या केक स्प्रिंकलर्स लेके रखे हुए हैं, इन सब का अलग अलग कॉस्ट होता है। तो ये जो छोटे साइज का एक पैकेट है ये ऑलमोस्ट 35-40 रुपीज कॉस्ट करता है। गोल्डन शुगर बॉल्स के अलावा जो भी स्मॉल पैकेट्स आते हैं स्प्रिंकलर्स के सारे के सारे 30-30 रुपीज ईच कॉस्ट करते हैं। और फाइनली इस तरह के टैग्स, तो हैप्पी बर्थडे के टैग्स हैं मेरे पास, और इसी तरह से हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस के भी टैग्स हैं मेरे पास। ये बड़ा वाला जो है ये 10 रुपए का मिला था, और ये छोटे वाले जो हैप्पी बर्थडे के टैग्स हैं वो करीब 2-3 रुपए ईच के मिले थे। सो गाइज, ये थी सारी की सारी जानकारी मेरी तरफ से आप सभी के लिए केक मटेरियल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वाला वीडियो। और इसीलिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज क्लासी भवा किचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके, साथ ही इसके राइट साइड में होता है एक बेल आइकॉन, इसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोज की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।